दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत मामले में नया ट्विस्ट सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि श्रीदेवी के शरीर में शराब पाया गया, जबकि वह शराब को छूती भी नहीं थी। इसके साथ ही दुबई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर से पूछताछ के बाद कई सवाल खड़े किए हैं। दरअसल श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी की शाम 6:25 पर ही हो गई थी, लेकिन बोनी कपूर ने पुलिस को रात 9 बजे इसकी जानकारी दी। उन्होंने श्रीदेवी की मौत की जानकारी सबसे पहले पुलिस को न देकर अपने दोस्त को दी, जबकि जिस होटल में वे रुकी हुई थीं, वहां 24 घंटे डॉक्टर और एम्बुलेंस तैयार रहता है। ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कहना है कि श्रीदेवी के हादसे के शिकार होने के बाद डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया गया। श्रीदेवी की मौत के करीब 2.5 घंटे बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल बोनी कपूर को इन सारे सवालों का जवाब देना है। यही वजह है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीदेवी का दोबारा पोस्टमार्टम कराने पर विचार कर रहे हैं और होटल के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी है, ताकि इस 2.5 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई जाना जा सके। इसके साथ ही पुलिस श्रीदेवी के कॉल डिटेल्स खंगालने के अलावा होटल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। दूसरी ओर श्रीदेवी की मौत पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का चौंका देने वाला बयान सामने आया। स्वामी ने श्रीदेवी की हत्या की आशंका जताई है। राज्यसभा सांसद ने कहा है कि बाथटब में डूबकर मरना संभव नहीं लगता। स्वामी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र करते हुए कहा कि अभिनेत्रियों से दाऊद के नाजायज रिश्तों पर भी हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अब तक दुबई पुलिस और दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस मामले में साजिश जैसी किसी बात की पुष्टि नहीं की गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन तो अभी इस मामले की जांच कर रहा है, लेकिन दुबई पुलिस ने अपनी तरफ से क्लीन चीट दे रखी है। दुबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि श्रीदेवी बेसुध होकर बाथटब में गिर पड़ी और डूबकर उनकी मौत हो गई। पर स्वामी के दावे ने इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट जरूर ला दिया है। शनिवार 24 फरवरी को दुबई के होटल में श्रीदेवी की मौत हो गई थी। अभी उनका पार्थिव शरीर भारत नहीं लाया जा सका है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस मामले की जांच कर रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दुबई पुलिस के हवाले से कहा गया था कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश भी पाए गए थे। पहले राज्यसभा सांसद अमर सिंह और बाद में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस दावे को खारिज कर दिया। मैंने कभी भी उनको विस्की, टकीला, ब्रांडी, ब्लडी मेरी इस तरह के हार्ड ड्रिंक जो स्नायु तंत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं उसका सेवन करते नहीं देखा। उनकी विवाह शादियों में वाइन चलती और इसका सेवन बड़ी आम बात है। स्वामी ने तो एक कदम आगे बढ़कर श्रीदेवी की हत्या की आशंका तक जता डाली। स्वामी ने कहा कि मुझे लगता है कि यह मर्डर है, यह विदेश में हुआ एक मर्डर है। अगर भारत की घटना होती तो मैं कुछ ज्यादा बता पाता। श्रीदेवी की दुबई में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने में अभी और देरी हो सकती है। इस मामले की जांच फिलहाल दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले है। खलीज टाइम्स ने लीगल एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को आगे की जांच के लिए फिर पोस्टमार्टम की जरूरत महसूस होती है तो वह संबंधित विभाग को पार्थिव शरीर को मृतक के देश भेजने से रोक भी सकते हैं। इस बीच श्रीदेवी जिस होटल में रुकी थी उसके सीसीटीवी फुटेज लिए गए हैं और कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है। पुलिस ने श्रीदेवी के पति बोनी कपूर से भी पूछताछ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।